ये देखिए फ्रेंड, मॉर्निंग का टाइम है और आज है फ्राइडे। सुबह के बज रहे हैं 10:30। यहाँ पर बन रहे हैं मेरे भजिए। भजिए इसलिए बना रही हूँ, मैं कढ़ी बनाई थी तो मैंने सोचा चलो इसके साथ भजिए भी निकाल लेती हूँ। तो बेटा चला गया नाश्ता करके और इसमें रखे हैं चावल। और ये देखिए कढ़ी बन गई है मेरी। इसमें छोंक लगाना है, कड़ी पत्ते की छोंक लगाना है यहाँ पर, और लाल मिर्ची की और मेथी की, क्योंकि जब तक मेथी नहीं डालते हैं कड़ी में तो टेस्ट ही नहीं आता है। ये जो कढ़ाई में लेकर आई हूँ ये कॉस्टली बहुत है, स्टेनलेस स्टील है, तो इसमें जो पकौड़ी बहुत अच्छे तलते हैं, तो अब मैं इसको पकौड़ी के लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि सब्जी बनाते तो वो अच्छे से नहीं बन पाती है। और इतना बैटर और बचा है, मुझे इसमें भी पकौड़ी डालना। मेरे बेटे को प्याज वाली पकौड़ी पसंद है, बट हम लोग ये, क्योंकि देखिए बच्चों की अपनी अपनी अलग अलग फरमाइश रहती है, और मॉर्निंग का टाइम है तो मैं कोई तैयार नहीं हुई हूँ अभी। और अभी तो देखिए मैंने आज तो नहाया भी नहीं, अभी काफ़ी काम पड़ा हुआ मेरा, क्योंकि देखिए मॉर्निंग का रूटीन ऐसा हो गया है, ठंड भी काफ़ी पड़ रही है तो सुबह भी उठने का मन नहीं करता है। तो चलिए फ्रेंड बने रहिए ब्लॉग में। देखिए इतने सारे बर्तन धो लिए, ये बर्तन है ना, रात को आज मैंने बहुत पहली बार मतलब आलसी करी है, ये बर्तन नहीं धोकर रखे। देखिए मॉर्निंग के नाइट के बर्तन थे ये, इतना ठंडा पानी था, इतना ठंडा पानी था कि मेरा हिम्मत नहीं हुई धोने की। और जितनी जितनी रात होती है इतनी ठंडी बढ़ जाती है कि बहुत कहना मुश्किल है। और देखिए कैसा आस्ते व्यस्त पड़ा हुआ आज मेरा घर, ये इसके लोड कवर भी डालना है, क्योंकि ये लोग का कोई सहारा नहीं है कि इनको झटकार करना है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड बने रहिए। बिल्कुल एक प्रॉपर आंच लग रही है ये, मतलब फ्राई करने के लिए बहुत बढ़िया है, कुछ भी चीज़ आप फ्राई करते तो उसके लिए सही है, पूड़ी भी आप तलते हैं तो। हस्बैंड को दे देती हूँ क्योंकि उनका टाइम हो रहा, मुझे उनका लंच भी बना के रखना पड़ता है, क्योंकि वो दिन में आ नहीं पाते, वो काम वालों को देखते हैं, क्योंकि काम वाले फिर है ना इधर उधर करते हैं, इसलिए तो हस्बैंड को क्या पूरा खाना खिला के ही भेजना पड़ता है मुझे। सुबह से क्या मन नहीं होता खाने का, तो टिफिन लगा देती हूँ तो खा लेते हैं वो। आदमी लोगों को लगता है घर में कितना काम रहता है, जब लेडीज से करती है तब पता चलता है। पता अभी ढेर काम पड़ा हुआ, 12 बजने वाले हैं, कल से पेट भी दुख रहा मेरा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब क्या करें, काम तो करना पड़ेगा, पता नहीं ठंड से दुख रहा है, काय से दुख रहा है, बहुत ज़्यादा है। भगवक्के 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 काम करना पड़ा। देखिए अभी मैं यहाँ पर आई थी, हमारे घर पे काम चल रहा है, तो अभी काफ़ी पेंडिंग काम पड़ा है, अभी मैं आपको नहीं बता सकती वहाँ पर काम। देख लीजिए आप, ये पूरा काम चल रहा है, पूरा फैला रहा पूरा हुआ है, और बाहर भी हुआ है, और अभी टाइम लगेगा काम में, हमको इनॉग्रेशन भी कराना है, बहुत टाइम है, क्योंकि हर चीज़ में है ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं घर से इधर आ जाती तो मेरे घर के काम भी रुक जाते हैं, बहुत सारे काम रहते घर में भी, बट ये है ना एक हफ्ते में आई हूँ, पिछले संडे आई थी तो मतलब पूरे 6 दिन में आई हूँ। अब रोज़ रोज़ भी मैं यहाँ क्या करूँगी, हस्बैंड को मैं देखने वाले, इसलिए बहुत पड़ रही है, मतलब बता नहीं सकते, ठंड का तो इतनी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है। किचन हमारी बन चुकी है बट अभी मैं आपको नहीं बता सकती, पूरी हो जाएगी उसके बाद ही बताऊँगी। और ऊपर भी हमारे फॉल सीलिंग काफ़ी हो गई है, मतलब बहुत ऊपर फिनिश हो गई, नीचे बची, क्योंकि ये देख ली जाली वाली में टाइम लगता है, ये पहले इस पर ना जाली कसाएगी, फिर इसके ऊपर है ना जो कि बोलते ना क्या बोलते हैं इसको, फुट की टाइप की उससे बनता है, देखो लगा रहे हैं मेरे को। देखिए फ्रेंड अभी आए हैं हम लोग, जल्दी जल्दी है ना घर गए थे, तो वहाँ से आके मैंने फटाफट ये देखिए, और ये देखिए चाय बन गई है, थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं हम, यहाँ पर हो रहा है दूध गर्म, और ये बेटी की चाय आज वो भी घर में है, ये देख सकते हो, ये हस्बैंड बैठ गए हैं खाने के लिए, दिन भर बेचारे काम करते तो भूख लग जाती है। क्या खा रहे हो फ्रेंड? आ जाइए चाय पीने, ठंडी बहुत है, और शाम के टाइम तो इतनी ठंड लगती है, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही लगती है, हस्बैंड बेटे बोलते हैं तेरे को ही ठंड लगती है, और हम लोगों को तो इतनी लगती नहीं है कुल। देखो काम करते हैं वहाँ पे, घर पे भी जाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, हम लोग तो भगे आए थे, इनको छोड़ आए थे, ये तो ये काम कर रहे थे, अब फुर्सत होकर अब आए हैं घर में,
वो देखो चूहा घूम रहा है, नाखून ऑल टाइम नाखून खाते हैं मेरे हस्बैंड। ये देखो ये नाखून खाना अच्छी बात नहीं है ना। और देखो ये मेरे बेटे के पास सोई में, ठंड लग रही है, मैं यहीं सो जाती हूँ थोड़ी सी देर, फिर उठ के अपने कमरे में चली जाऊंगी। क्या हुआ, देख कैसे करता है, इसको गुस्सा बहुत आता है, मैं बहुत परेशान हूँ इसके गुस्से से। पता ये बचपन में भी गुस्सा करता था छोटे, मतलब तुमने की गाड़ी बहुत पेट्रोल पीती और है, आप अभी भी ऐसी गाड़ी का करता। कुछ करो यार, मैं तो अपनी अपनी गाड़ी लेकर ओ देखूंगा। भैया ये गाड़ी इतने तेज चलाता है यार, ऐसे ले इधर ले लेगा इधर ले लेगा, एक ही लाइन में चला, या तो इधर चला ले या इधर चला ले, पीछे से गाड़ी है फिर ऐसे ठोकती है, गाड़ी ऐसे करती घुल 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 ऐसे घुल, गाड़ी वही खड़ी कर देंगे परेशान चलती हो गाड़ी जाते गाड़ी। है ना। अरे उसको खटारा कर दी यार, उसको इतनी खटारा, दोनों बहन भाई खटारा। अभी तुम उसको नई भी दे दोगे ना, ये भी खटारा कर देगा, वो भी कर दिए, पता बहुत इन लोग गाड़ी। सुनाई दिया ना हमको, बस धीरे बात करो। तुम ही चला सकते हो गाड़ी अच्छे से। देखो आज ये देखो ये देखो 32 साल का रिकॉर्ड ये है देखो ये किचन दे कि गाड़ी पे से कभी गिरे नहीं है, कभी गाड़ी ठुकी नहीं है। देखो किचन पे ये क्या हो रही है, देखो क्या हो रही है, बेचारे सीने को दिन भर काम करते ना, सीने को सेक रहे हैं। इनके बगैर हमारा कुछ काम नहीं होता, बहुत अच्छे से काम संभाल लेते बेचारे। चलिए फ्रेंड, वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, नाइट हो गई है, 11:30 होने वाले हैं। अभी वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड।